गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोंगूज किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मोंगो डीबी तो कुछ पिछले वीडियो से चल ही रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था मोंगो डीबी क्या है, क्या कुछ कर सकता है और किस तरह से जो मोंगो डीबी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। हमने कॉम्पस के बारे में देखा था, काफ़ी चीज़ें हमने देखी। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं प्लेलिस्ट, अगर आप लोगों ने बुकमार्क कर रखी है, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा आपको और आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने ये जो प्लेलिस्ट है इसको अभी तक एक्सेस नहीं किया तो उसको एक्सेस करके यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर मोंगूज के अंदर। किसी भी चीज़ को आपको सीखना है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर वो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो मोंगूज ही क्यों ना हो, सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से होती है डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं मोंगूज डॉक्स लिखूँगा और 5.9 ये जो वर्जन है इसके डॉक्स आ गए। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्स होते हैं वो ऑफिशियल अच्छे नहीं होते और इसलिए आप लोगों को ऑप्ट करना पड़ता है कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट में जिसने सही से कंपाइल करके समझाया हो। बट मोंगूज के डॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और क्विक स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर इसको देखेंगे। तो एक बार एक बहुत ही क्विक रिविजन आप लोगों का करवाना चाहता हूँ। मोंगूज को चलाने के लिए सबसे पहले आपको npm से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल मोंगूज लिखना और मैंने यहाँ पर npm इंस्टॉल मोंगूज लिखा तो मेरा मोंगूज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और मोंगूज इंस्टॉल होते होते क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वो मेरा ऐड कर देगा, कहेगा जी 5.9.6 जो है आपका हमने इंस्टॉल कर दिया है मोंगूज, तो आप खुश रहो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने मोंगूज को क्योंकि इंस्टॉल कर लिया है तो मेरा पैकेज जो .json में आ गया है और जो मोंगूज है वो नोड मॉड्यूल्स में आ गया है। तो कभी मान लो मुझे नोड मॉड्यूल डिलीट करना पड़ जाए या फिर मैंने डिलीट कर दिया मान लो, तो मैं npm इंस्टॉल करके वापस से अपने नोड मॉड्यूल्स को पॉपुलेट कर सकता हूँ। और ये बेसिकली इस तरह काम करता है हमारा जो नोड जेएस है वो। तो देखो नोड मॉड्यूल्स जो है वो सारे के सारे वापस से मेरे आ गए। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इतने सारे मॉड्यूल्स क्यों हैं इसके अंदर। इतने सारे मॉड्यूल्स इसलिए हैं क्योंकि हमने सारे के सारे जो मोंगूज की डिपेंडेंसीज हैं उनको भी इंस्टॉल किया है। तो डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज भी होती हैं कभी कभी और काफ़ी डिपेंडेंसीज पीछे की तरफ होती हैं, तो वो सारी के सारी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करके आपका नोड मॉड्यूल्स फोल्डर पॉपुलेट कर देता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा और वो है मेरा पावर शेल। और मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा जादू नहीं किया, वही किया जो कि पिछले वीडियो से मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पर मोंगो डी चलाया और ये जो मोंगो डी प्रोसेस होती है ये हमारी जो मेन मोंगो डी बी की प्रोसेस है वो होती है जो कि हैंडल करती है सारे के सारे कनेक्शंस। अब अगर मान लो मैंने ये जो इंडेक्स डॉट जे एस बनाई थी जो कि मैंने अपनी इस डॉक्यूमेंटेशन से उठाए थे, टेक्स्ट बना उठाकर जो फाइल बनाई थी वो ये है। मैंने यहाँ पर क्या किया, गेटिंग स्टार्टेड डॉट जे एस ये जो फाइल थी हमारी, इससे ये और ये कॉपी किया और मैंने सिंपली इसको रन किया भरोसा करते हुए मोंगो डीबी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जे एस चला देना है और जैसे ही मैं इंडेक्स डॉट जे एस चलाऊँगा देखो वी आर कनेक्टेड प्रोसेस जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि जब भी आप कनेक्ट होते हैं तो क्या करता है ये आपको ये चीज़ दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक हमारा जो कनेक्शन है मोंगो डीबी के साथ हमारे मोंगूज का वो बन चुका है। अब हमें करना क्या है, कनेक्शन तो बन चुका है, अब हमको यहाँ पर कुछ मोंगो डीबी में स्टोर करना होगा और हम मोंगो शेल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी हम कर ही रहे थे कुछ टाइम से मोंगो शेल का इस्तेमाल। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ और मैं अगर यहाँ पर मोंगो लिखूँगा तो ये जो शेल है वो मेरी खुल जाएगी। और मैंने यहाँ पर मोंगो शेल लिख दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक हैरी कार्ड नाम की डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है अपने आप को, तो मैं यूज़ हैरी कार्ड लिख दूंगा तो ये नए डेटाबेस हैरी कार्ड में आ गया। अब मैं शो कलेक्शंस करूंगा तो इसने सारे कलेक्शंस मुझे दिखा दिए। अब मैं जिस कलेक्शन में जो चीज़ डालना चाहूँ वो डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग सेव कर सकते हैं डेटा को मोंगो डीबी के अंदर और उसी के साथ साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को मैं किस तरह यूज़ करूँगा आप लोग देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया हुआ है, MongoDB कैसे काम करता है समझते हैं सबसे पहले, ठीक है, मोंगूज के साथ ऑब्वियसली, ठीक है। तो MongoDB कैसे करते हैं तो पता है हमें, मोंगूज MongoDB से किस तरह से अपना रिश्ता बनाता है, किस तरह से कनेक्ट होता है और किस तरह से आपके डेटा को सेव कराता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहली बात है वो तो ये है कि जो MongoDB है आपका वो डेटाबेस है, मोंगो एक क्लाइंट है, ठीक है। एक आपकी मोंगो शेल जो है ये क्लाइंट है जो कि कनेक्ट कर रहा है किससे, मोंगो डी प्रोसेस से जो कि मेन डेटाबेस की प्रोसेस है।
उसी तरह से नोड जे एस की मदद से मैं मोंगूज पैकेज का यूज़ करके भी उसी डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, उसी प्रोसेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, मोंगो डी प्रोसेस को। ये हमारी मेन प्रोसेस है जिसका नाम मोंगो डी है, जो कि हमने चलाई है। इससे आप किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, पाइथन से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको, आपको बताना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पर कनेक्शन आप किसी भी तरह स्टैब्लिश करें, इससे डेटाबेस आपका एक ही है, ठीक है, वही आपका जो मोंगो डी प्रोसेस चल रही है वही है इस कंप्यूटर के अंदर लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोंगोज पैकेज को सबसे पहले डिक्लेयर किया यहाँ पर, फिर हमने कहा कि जी हम जो हमारा हैरी कार्ड डेटाबेस है उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो कहा साहब ठीक है, ओके, आपका हैरी कार्ड डेटाबेस यूज़ होगा। फिर हमने कहा कि भाई कनेक्शन बना लो, ये देखो कि ये जो हमारी जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है इसके करस्पॉन्डिंग कोई डेटाबेस भी स्टोर करता है, सॉरी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर कोई डेटाबेस एग्जिस्ट करता है इस नाम का तो ऑब्वियसली वो आपको कनेक्ट कर देगा। एक बार आप कनेक्ट हो गए तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक स्कीमा, ठीक है। अब ये स्कीमा क्या होता है, स्कीमा कुछ नहीं है, स्कीमा सिंपली आप लोगों को ये बताता है कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है स्कीमा। तो यहाँ पर इन्होंने किटन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग फिट करेंगे इसको। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से किटन स्कीमा दे दिया इज इक्वल टू न्यू मॉन्गूज डॉट स्कीमा, और हमने कहा कि भाई इसमें एक नेम आएगा, स्ट्रिंग आएगा, और नेम स्ट्रिंग और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही ऐड करेंगे, ठीक है। नेम स्ट्रिंग बिल्कुल इसी तरह राइट क्लिक करके आप लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये जो नाउ कनेक्टेड और ये वो लिखा हुआ है इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं ये गेटिंग स्टार्टेड और जेएस भी हटा रहा हूँ, और यहाँ पर हमने एक स्कीमा डिफाइन कर दिया। अब आप लोग कहेंगे यार ये स्कीमा क्या है, क्या बनाना पड़ रहा है, क्या नई चीज़ आ गई यार, अभी इतना अच्छा चल रहा था, हम कलेक्शंस यूज़ कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर रहे थे, हम लोग उसी के साथ साथ सर्च कर रहे थे, ये क्या आ गया स्कीमा। स्कीमा बेसिकली एक लेयर है मोंगूज की, जो लेयर है ऑन टॉप ऑफ मोंगो डीबी, जो कि आप लोगों के वैलिडेशन को, उसी के साथ साथ क्या डेटा आपका जा रहा है मोंगो डीबी में, उस सबको कंट्रोल करती है। और इसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट स्कीमा बनाना पड़ता है कि भाई आप क्या डालने वाले हो मोंगो डीबी के अंदर। इसके कई फायदे होते हैं और उनकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो स्कीमा है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर, कि नेम आपका स्ट्रिंग ही हो सकता है, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग अपने डेटाबेस में जब वैल्यूज़ को डालोगे तो उसी फॉर्मेट में डालोगे, इससे अवॉइड करते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक स्कीमा बना लिया। एक बार आपने स्कीमा बना लिया तब आप क्या कहोगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई लॉक कर दिया जाए, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में बच्चन साहब पूछते हैं कि भाई लॉक कर दिया जाए, आप कहते हैं हाँ जी लॉक कर दिया जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर आपके स्कीमा को लॉक कर दिया जाएगा। जैसे आप लॉक करेंगे अपने स्कीमा को तब आप चेंज नहीं कर सकते, आपका स्कीमा एक मॉडल में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो आपके स्कीमा को मॉडल में तब्दील कर दिया जाएगा यहाँ पर। और आपका जो स्कीमा था जिसका नाम किटी स्कीमा था, वो एक किटन मॉन्गूज मॉडल में बदल चुका है। अब स्कीमा और मॉडल में क्या डिफरेंस है, स्कीमा में आप लोग बताते हैं कि क्या कौन सी फील्ड क्या रहेगी, और मॉडल जो है वो आपका फाइनली कंपाइल्ड स्कीमा है। तो एक स्कीमा मॉडल में कंपाइल होता है और वो किटन नाम का जो मॉडल है वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब ये चीज़ें एक बिगिनर को शायद सेंस ना बनाएं, आप लोगों को हो सकता है लगे कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन बस आप लोग ये समझो कि आपको स्कीमा बनाना पड़ेगा और उसके बाद स्कीमा को मॉडल में कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने मॉडल में कंपाइल कर लिया तब आप बना सकते हो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पर अपना मॉडल बना लिया तो आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। कौन से ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, वो होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, जो कि मोंगो डीबी में डॉक्यूमेंट के तौर पे जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से ये कोड को समझते हैं, इसको लेते हैं। इन्होंने एक साइलेंस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इन्होंने कहा मैं एक काम करता हूँ हैरी किटी नाम से बनाता हूँ, इज इक्वल टू न्यू किटन, और इसका नेम रहेगा हैरी किटी, ठीक है। और हमने यहाँ पर कहा कि न्यू किटन नेम हैरी किटी, ठीक है। और सिंपली हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, इसका हैरी किटी का नाम जो है हम लोग क्या करेंगे, कंसोल में लॉग करेंगे। तो इतना करके मैं चलाता हूँ इसको भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नोड और उसके बाद लिखूँगा इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स डॉट जे एस चलाया, देखो हैरी किटी यहाँ पर लिख कर आ गया क्योंकि इसका नाम हैरी किटी था। अगर मैं इसको हैरी किटी नेम कर दूँ तो आप लोग देखना क्या होगा। इसको रन किया मैंने और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उप्स, मैंने यहाँ पर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया था गलती से। देखो हैरी किटी नेम अभी आ गया क्योंकि मैंने नेम चेंज करके इसका हैरी किटी नेम कर दिया है, ठीक है। चलो जी ये हो गया अब हमारा, लेकिन क्या ये डेटा हमारा मोंगो डीबी में गया, इसका इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को पहले ही दे देता हूँ कि नहीं गया है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये जाएगा डेटाबेस में तो कहाँ पर जाएगा, आपने ना ही तो ये बताया कि आप लोग इसको कौन सी कलेक्शन में डालने वाले हैं, कुछ बताया ही नहीं आपने। तो एक स्कीमा बनाया, मॉडल बनाया, और एक आपने उस मॉडल के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बना लिया,
तो यहाँ पर ये जो आपने बनाया है ऑब्जेक्ट, इसको आपको अब एक डॉक्यूमेंट में स्टोर करना पड़ेगा, और आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा इसको मोंगूज को कि जी मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मेरा ये सेव कर दो, मेरा रखवा दो ये, ठीक है। तो रखवाने को ही सेव करना कहते हैं। अब ये रखवाएगा आपका कैसे, देख लो। अब यहाँ पर क्या किया, अगर मैं इसको रखवाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं डॉट सेव मेथड का इस्तेमाल करूँगा, और डॉट सेव जो है दो चीज़ें लेगा, सॉरी एक फंक्शन लेगा और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा। पहला फंक्शन जो होगा उसका, वो फंक्शन फायर होगा जैसे ही आप सेव करेंगे, और उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है एरर, अगर कोई एरर होता है तो वो, और दूसरा जो है वो आपका वो ऑब्जेक्ट है जो कि सेव हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है मोंगूज वालों ने, और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, कहा है कि आप मेथड्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही मेथड्स ऐड करोगे तो क्या होगा, आप लोग सिंपली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका नाम मेरा है, क्या नाम है मेरा, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हैरी किटी था, ठीक है। तो मैं हैरी किटी के करस्पॉन्डिंग एक ये बना सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और हैरी किटी डॉट वो मेथड जो है रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही, मॉडल को, मॉडल बनने से पहले आपको स्कीमा में जो करना है वो आप कर सकते हो। एक बार आपको मॉडल कंपाइल हो गया तो उसके बाद आप चेंजेस प्रैक्टिकली नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो मैंने क्या किया है कि ये जो मेथड्स डॉट स्पीक फंक्शन है ये मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसमें, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा बस थोड़ा सा, क्योंकि ये है किटन स्कीमा। आई थिंक मुझे चेंज भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी किटन स्कीमा ही दिया है, और किटन स्कीमा डॉट मेथड्स में मैंने एक नया मेथड डाला जिसका नाम है स्पीक। और ये स्पीक मेथड क्या करता है, सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो अगर कोई नाम है आपके किटन का तभी क्या करेगा, मियाओ नेम इज़ ये कर देगा। मैं इसको बहुत ही सिंपल रखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ माई नेम इज़ दिस डॉट नेम कर देता हूँ सिंपली। ज़्यादा मैं यहाँ पर ही जो इन्होंने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है उसको मैं जो है स्किप कर रहा हूँ, ज़्यादा आप लोगों को मैं टेंशन नहीं देना चाहता। तो माई नेम इज़ दिस डॉट नेम यहाँ पर आ गया मेरी इस ग्रीटिंग में, और ग्रीटिंग को मैंने कंसोल लॉक कर दिया है। तो कंसोल डॉट लॉक हैरी किटन डॉट नेम, किटी डॉट नेम मैंने किया है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर हैरी किटी डॉट स्पीक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्पीक फंक्शन भी मैं इसका रन कर सकता हूँ। वापस अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, हैरी किटी नेम, और उसके बाद माई नेम इज़ हैरी किटी नेम यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वी आर कनेक्टेड ब्रोसेस बाद में क्यों आ रहा है, ये पहले क्यों आ रहा है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, जो नोड जेएस है वो नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल पे काम करता है। आपका ये सारा का सारा कोड जो है ऊपर से नीचे की तरफ रन होता है, और ये जितनी भी कॉल बैक्स हैं वो बाद में रन होती हैं। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा ये, तब बाद में रन होगा ये आपका वी आर कनेक्टेड ब्रोसेस वाला जो फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसीलिए सबसे एंड में आपको दिखाई दे रहा है, और ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पर बताए हुए हैं वो ऐसे ही रन हो रहे हैं। तो जैसे ही कनेक्शन बनेगा वैसे ही कॉल बैक फायर करेगा, और कॉल बैक जैसे ही फायर करेगा वैसे ही आपको यहाँ पर उसी ऑर्डर में दिखाई देंगी चीज़ें। तो कभी कभी ऑर्डर अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग समझ जाओ कि वो जो कॉल बैक्स हैं वो एक के बाद एक फायर होते जा रहे हैं जैसे जैसे काम होता जा रहा है, और इसीलिए ऑर्डर जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पर ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करता है नोड जेएस, ऐसा नहीं है कि पहले ये पूरा होगा, जैसे ही इतना हो जाएगा पूरा उसके बाद ही नीचे का रन होगा, ऐसा नहीं है, ये कॉल बैक मेथड्स पे काम करता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और यहाँ पर देखो मैंने डॉट स्पीक जब कराया इसको, तो इसने यहाँ पर मुझे कंसोल में प्रिंट करके दिया माई नेम इज़ हैरी किटी नेम। अब ये नेम मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ कि कन्फ्यूज़ कर रहा है। मैं वापस से रन करूँ अगर इसको, तो देखो हैरी किटी, माई नेम इज़ हैरी किटी, और वी आर कनेक्टेड ब्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो रहा है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि बार बार ही मुझे बताए वी आर कनेक्टेड ब्रोसेस, अजीब सा लग रहा है मुझे। तो मैंने इसको जैसे ही रन किया, देखो हैरी किटी और माय नेम इज़ हैरी किटी लिखकर आ गया, ठीक है। अब अभी तक हमने जो है बिल्कुल भी इसको सेव नहीं किया है, तो इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो इसका सेव मेथड है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं फ्लफी डॉट सेव करूँगा तो ये जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ये जो डॉट सेव मेथड है इसका ये रन करूँगा तो मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डॉट सेव फंक्शन मैं ढूंढ रहा हूँ भी, डॉट सेव मेरा कहाँ गया, सेव, ओके। मैं क्विक स्टार्ट में एक्चुअली सेव मेथड ढूंढ रहा हूँ, और सेव मेथड मेरा ये रहा। तो जो भी मेरा किटन है वो मैं सेव करूँगा, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ भी, और मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो मेरा हैरी किटी है इसको कर लो सेव। हैरी किटी डॉट सेव मैंने किया, और ये जो कॉल बैक फंक्शन है सेव के अंदर का, वो दो
पैरामीटर्स ले रहा है, पहला एरर ले रहा है और दूसरा क्या ले रहा है, दूसरा वो ऑब्जेक्ट ले रहा है जो कि मैंने यहाँ पर सेव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। अब वापस से सवाल आपका होगा कि ये सेव कहाँ पर होगा, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर सेव होगा। जब मैंने यहाँ पर मॉडल बनाया था तो मैंने इसको एक पहला आर्ग्यूमेंट दिया था जिसका नाम था किटन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो पहला आर्ग्यूमेंट है इसके प्लूरल, इसका प्लूरल बना लेगा, किटन्स बना लेगा एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे मैं मान लो इसको हैरी किटी किटी कर देता हूँ, मान लो इसका नाम हैरी किटी रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली एक कलेक्शन बना लेगा जैसे ही मैं सेव करूँगा, और उस कलेक्शन का नाम रख देगा हैरी किटीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं शो कलेक्शंस करूँगा तो देखो यहाँ पर अनदर कलेक्शन आइटम्स और किटन्स आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करूँगा और उसके बाद मैं इसको वापस से फायर करूँगा, तो यहाँ पर देखो इसने हैरी किटीज़ नाम की एक कलेक्शन ऑटोमेटिकली बना दी है। मैंने तो यहाँ पर हैरी किटी दिया था, हैरी किटीज़ नहीं दिया था, तो ये जो एस है ये ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है मोंगूज। ठीक है, तो हैरी किटी को इसने हैरी किटीज़ करके बना दिया। ठीक है, तो ये प्लूरल वर्जन जो है बहुत ही स्मार्टली अपने आप एक कलेक्शन बना देता है प्लूरल वर्जन की, तो किटी को उसने किटीज़ कर दिया। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आ गई होगी ये चीज़, और किस तरह से ये सेव कर रहा है डेटाबेस में ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं तो हम लोग देख सकते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ db.harrykitties.find, तो आप लोग देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें नेम हैरी किटी है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि मैंने जो ऐड किया हैरी किटी वो सेव हो गया मेरे डेटाबेस के अंदर। और जैसे ये सेव हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, हैरी किटी को स्पीक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ हैरी किटी मैंने सेव किया है, अगर मान लो मैं हैरी किटी 2 नाम की भी एक और किटन सेव करूँ, तो यहाँ पर देखो एक और किटन जो है सेव हो जाएगी, हैरी किटी 2, और यहाँ पर इसको सेव कर दो। और ये हैरी किटी इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हो, मैं इसको के भी लिख सकता हूँ, वैसे जो भी मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, वापस से अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हैरी किटी और हैरी किटी 2 दोनों सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जल्दी से देखो, फाइंड किया तो हैरी किटी मैंने जो है कई बार 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 रन किया इस प्रोग्राम को, तो ये बार बार सेव हो गया, और देखो हैरी किटी 2 एक बार सेव हो चुका है। तो मैंने 3 बार इसको रन किया था, 1, 2 और तीसरी बार जो मैंने रन किया था वो हैरी किटी 2 के लिए किया था, तो हैरी किटी 2 यहाँ पर जो है वो सेव हो चुका है। सो आई होप कि ये जो MongoDB है आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप काम करेंगे मोंगूज के साथ तब प्रैक्टिकली आप लोग ये जो मोंगो शेल है इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैंने बंद कर दिया। बंद करने का मकसद यह है कि जो फाइंड ऑपरेशन है वो भी आप लोगों को यहीं से करना है। कहाँ से करना है, वो फाइंड ऑपरेशन भी आप लोगों को अपने मोंगूज से यानी कि Node.js के प्रोग्राम से करना है, चाहे आप एक्सप्रेस में हैं, चाहे आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वहीं से करना है। तो उसके लिए होता है एक फाइंड फंक्शन जो कि मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो फाइंड में सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ऐसे इस तरह से आप लोग फाइंड अगर मैं करूं और मैं कहूं कि भाई मुझे वो चाहिए, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा, क्या दूंगा ऑब्जेक्ट, फिल्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जो नेम है वो क्या होना चाहिए, हैरी किटी होना चाहिए। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कर दो किटन। ठीक है, और ये स्पीक भी मत कराओ इसको, और कुछ मत कराओ। ठीक है, सेव करके स्पीक मत कराओ, वरना क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा कंसोल लॉग्स आ जाएंगे, और ये ग्रीटिंग भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको, ये तो खैर मैं मेथड रन नहीं कर रहा हूँ तो ये चल जाएगा, Node.index.js मैंने जैसे किया, मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे मेरे ये ऑब्जेक्ट्स मिल गए। मैंने कहा जी मुझे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका नाम हैरी किटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने मुझे दिया एक हैरी किटी है, एक हैरी किटी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हैरी किटी 2 को करूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम जिसका हैरी किटी 2 है वो मुझे दे दो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये किया आप लोग देखो, कंट्रोल सी करता हूँ, रन करूँगा इसको, ये देखो हैरी किटी टू आ गया। वापस से इसको अगर मैं रन करूँ तो ये देखो 3 बार हैरी किटी 2 आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको 3 बार सेव कर लिया। तो जितनी बार मैं रन करता जाऊँगा ना उतनी बार ये डेटाबेस में सेव करता जा रहा है और उतने मुझे दिखते जा रहे हैं बार बार। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मैं यही काम हैरी किटी के साथ भी करूँ, तो अगर मैं इस तरह से करूँ हैरी किटी फाइंड करूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर हैरी किटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आ गया है, फिर करूँगा 7 बार आएगा, देखो 3, 3, 6 और 1, 7, क्योंकि मैंने हैरी किटी हर बार जैसे जैसे प्रोग्राम को मैं रन करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसमें डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यह है मोंगूज का बेसिक काम करने का तरीका।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को, देख लेते हैं किस तरह काम करता है। देखो मोंगूज क्या एक लाइब्रेरी है, एक लेयर है ऑन टॉप ऑफ मोंगो डीबी जो कि आप लोगों के लिए मोंगो डीबी को यूज़ करना आसान बनाता है। ठीक है, एक बार आप लोगों के लिए मोंगो डीबी यूज़ करना आसान बन जाता है तो क्या होगा कि आपके पास एक कंट्रोल रहेगा कि आपका आपके यूज़र्स कौन सी फील्ड जो है स्ट्रिंग डाल रहे हैं, कौन सा नंबर डाल रहे हैं, एक वैलिडेशन आ जाएगा आपके पास, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है मोंगूज आप लोगों को। तो आप लोग क्या करते हैं, स्कीमा बनाते हैं। आप कहते हैं कि भाई सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहेंगी, एक स्कीमा के अनुसार रहेंगी। तो वो कौन सा स्कीमा रहेगा जिसके अनुसार आपकी ये जो मोंगो डीबी के अंदर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, वो स्कीमा आप लोग बना लेते हो पहले। एक बार आपका वो स्कीमा बन जाता है तो आप क्या करते हो, उसको एक मॉडल में कंपाइल कर लेते हो और डिसाइड करते हो कि वो कौन से कलेक्शन में जाएगा, कौन से मोंगो डीबी के कलेक्शन में जाएगा। तो कौन से कलेक्शन में जाएगा, जो आपने उसको पहला आर्ग्यूमेंट दिया होता है उसके प्लूरल फॉर्म वो खुद बनाएगा और उस कलेक्शन में खुद डालेगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाती हैं काइंड ऑफ। तो एक बार आपने ये बना लिया तो हैरी किटी का जो है हैरी किटन्स बन जाएगा, और लोअर केस में ये एक बैकग्राउंड में क्या करेगा, बैकएंड में ऑटोमेटिकली ये एक कलेक्शन बना देगा, और वो जो कलेक्शन है उसके अंदर सारा का सारा जो डेटा है, जो 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 मैं डालूंगा यहाँ पर, क्वेरी करूँगा, जो भी कुछ करूँगा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हैरी किटी क्या है, हैरी किटी यहाँ पर क्या है, हैरी किटी यहाँ पर मैंने बनाया एक नई किटन। मैंने कहा कि जो मेरा नया किटन मॉडल है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा उस कलेक्शन में जो कि हमने अपने मॉडल के करस्पॉन्डिंग बनाया है, यानी कि जो कि ऑटोमेटिकली मोंगूज ने बनाया, इस केस में हैरी किटन्स में जाएगा वो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे इस चीज़ को, और हैरी किटीज़ में जाएगा, सॉरी नॉट किटन्स, हैरी किटीज़ में जाएगा। किटी का उसने किटीज़ बना लिया, प्लूरल फॉर्म बना लिया, तो जो भी वो बनाएगा उसके अंदर जाएगा सारा का सारा। जो भी आप यहाँ पर सेव करेंगे, जो भी आप अपने किटन ऑब्जेक्ट्स में सेव रन करेंगे जब जब, वैसे वैसे वो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग जो भी आपकी कलेक्शन है वहाँ पर जाएगा। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आप लोग जो है यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो काम कर रहे थे पहले, हम जो वेबसाइट बना रहे थे उसमें मोंगूज यूज़ करके एक स्कीमा बना सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू अ फॉर्म, और उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं, कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सो आई होप कि मोंगूज का एक आइडिया लग गया होगा और आप लोग जो है इसको यूज़ करना जो है स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक जो वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है वो आप लोगों ने नहीं करी है एक्सेस, तो काइंडली उसको ज़रूर एक्सेस करें, और ये वो जगह है जहाँ पर मैंने HTML CSS सब कुछ सिस्टमेटिक बताई हुई है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी सीखना। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट सीखना है शुरू से लेके आप लोगों को सीखना है आखिर तक, तो आप लोग जो है यहाँ पर बहुत आराम से जो है सीख सकते हैं। मैंने एकदम कंप्लीट इस कोर्स को जो है पूरा किया है, HTML CSS JavaScript फ्रंट एंड ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इनफैक्ट बैक एंड भी ऑलमोस्ट डन है, फ्रंट एंड तो पूरा कंप्लीट कर ही दिया है मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स के साथ। तो आप लोग जो है इसको एक्सेस करें और शुरू से देखना स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छा टाइम है देखने के लिए, और सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हुए मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने बुकमार्क नहीं करी है प्लेलिस्ट तो उसको कर लेना बुकमार्क, सेव कर लेना, और अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो उसको लाइक ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।